पास। अभी बस कंटिन्यू कर रही हूँ, बट दो साल में जो मैं वर्क करती हूँ तो मेरे पास ऑफर है कि मैं कुछ भी ले सकती हूँ। हम यहाँ पे आईफोन चेक कर रहे थे कि क्या ऑफर चल रहा है, बस सच बता रही हूँ कोई खास नहीं थी। जब ट्राई करने के बाद पता चला गला तो इतना बड़ा था कि झोला लग रहा था बिल्कुल। स्टिक वगैरह भी लगा लें, ऐसे अच्छा दिखना चाहिए। यहाँ मैंने लिया है ये जो कि नॉन स्टिक पैन है, तो ये जो मेरी ड्रेस है ना वो मेरी बोनस गिफ्ट है। और अगर हम इतना शॉपिंग कर रहे हैं यार तो गिफ्ट तो बिल्कुल रिटर्न गिफ्ट बनता है, राइट। तो मम्मी के लिए जो आज मैंने बोला था सरप्राइज है वो यही है कि मेरे बेटे ने मेरे को गिफ्ट दिया। तो हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय अनदर व्लॉग, एंड आई होप आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे, एंड आई विश आप सब बढ़िया ही रहो। फर्स्टली सभी को हैप्पी धनतेरस, और आज हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। सो देखते हैं आज क्या क्या सरप्राइजेस गिफ्ट करने हैं, क्या क्या चीज़ें लेनी है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है व्लॉग, और आज मुझे बोनस मिला है जो मैं चाहूँ वो ले सकती हूँ। सो चलो स्टार्ट करते हैं, एंड व्लॉग में एंड तक बने रहना। धनतेरस है तो सबसे बढ़िया जगह यहीं पे है, यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और सामान लेते हैं। पहले तो भूख लग रही है, चलते हैं कुछ खाते हैं। सो अभी बहुत ज़्यादा तेज़ से भूख लग गई थी, तो फर्स्टली हम धनतेरस की शॉपिंग करने से पहले हम पहले अपने पेट पूजा करते हैं। और यहाँ पे हम बर्गर किंग में आए हुए हैं, और यहाँ पे हम पहले बर्गर और जो हमारा फेवरेट शेक है बहुत टाइम हो गया था तो पहले उसको हमने ऑर्डर किया है, वो आ जाकर उसको मील इन्जॉय करते हैं, देन हम आगे चलते हैं किसी और चीज़ के लिए। बिकॉज अभी हमें शॉपिंग करने में जिसका भी हम आए हुए हैं, तो इस वजह से इतनी एक्साइटमेंट थी कि आज मैंने लंच भी मिक्स मिस कर दिया। चलो वेट करते हैं अपने मेल का, फिर आपको हम दिखाते हैं। हमारी मील रेडी है, अभी हम इसे इंजॉय करते हैं। उसका जो शेक होता है ना बर्गर किंग का, रियली यार बहुत टेस्टी होता है। अगर आप आ रहे हो तो ट्राई ज़रूर करना, ट्राई करा है तो कमेंट ज़रूर करना। अमेजिंग यार, इसके लिए हम बर्गर किंग आते हैं। बाकी बर्गर फ्रेंच फ्राइज तो बाहर ही मिल जाते हैं, लेकिन यार ऐसा शेक बाहर नहीं आता है। फाइनली गाइस हमने खा पी लिया है, और अगर पेट भर जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, राइट। सो अभी वही हाल है, और मैंने खा पी लिया जो मुझे खाना था, और स्टिल हम निकल जाते हैं अपनी धनतेरस की शॉपिंग को कंटिन्यू करने। मतलब अभी तो स्टार्ट ही नहीं की थी, सो चलो चलते हैं। जो चीज़ हमें धनतेरस पे लेनी है उसके लिए एक्सप्लोर करते हैं। और आप लोगों में से किसी का कमेंट आया था कि आप बाल में बार बार हाथ क्यों लगाते हो, आदत हो गई है, इसको सुधारने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस अभी बस कंटिन्यू कर रही हूँ, बट डोंट वरी सही हो जाएगी। ये भी से हम देख रहे हैं, और मुझे मेरा बोनस मिला है फाइनली। जो मैं वर्क करती हूँ तो मेरे पास ऑफर है कि मैं कुछ भी ले सकती हूँ, बट लेना भी यार बोनस बोनस की तरह लिया जाता है ना। और प्लस मुझे मम्मा को भी सरप्राइज़ देना है, तो देखो हम क्या क्या ले पाते हैं आज। ये भी समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ मैशअप सा हो रहा है। यहाँ पे हम आ गए थे रिलायंस के अंदर, जो कि हम यहाँ पे आईफोन चेक कर रहे थे कि क्या ऑफर चल रहा है, बस चेक ही कर रहे थे, लिया कुछ नहीं है। बालों में हाथ लगाने वाली आदत मेरे से तो नहीं जाएगी यार, ये मेरा मतलब एक तरह से बन चुका है। चलो चलते हैं हम। हम आ चुके हैं मैक्स में, यहाँ पे कलेक्शन काफ़ी अच्छा लगता है, बस अच्छा ही लगता है क्योंकि यार प्राइस इतने होते हैं ना कि उतने में तीन जोड़ी कपड़े आ जाए।
ऑनेस्टी से बोलूँ ना तो यार मैक्स की ड्रेसेस वगैरह बहुत ही कम थी और तो मैंने एक दो सिलेक्ट भी की थी कि चलो अच्छी लगेगी, लेकिन यार सच बता रही हूँ कोई खास नहीं थी। जब ट्राई करने के बाद पता चला गला तो इतना बड़ा था कि झोला लग रहा था बिल्कुल ही, और इतना प्राइस इतना ज़्यादा। जब ड्रेसेस वगैरह चेंज कर लिया, बालों को तो सही करना बनता है यार, यही सब तो लड़कियां करती है। देखो भाई तो कंघा अंगा पर्स में सब रहता है, लिपस्टिक वगैरह भी लगा लें, ऐसे अच्छा दिखना चाहिए। यहाँ से हमें पसंद कुछ नहीं आ रहा है, इसके बाद डायरेक्ट हम जाएंगे अपने वी मार्ट और वहां से ही शॉपिंग करने वाले हैं, तो तैयार होना बनता है चेंजिंग रूम में यार। चलो ठीक है, तैयार ऑलमोस्ट हो गए, अपना पर्स ले लेते हैं, बस फिर क्या चलते हैं, कोई चीज़ छूट ना जाए, बस ड्रेसेस को यहीं छोड़ देंगे, वैसे भी उठा लेंगे आके जो है आके जो भी वर्कर्स हैं। हम चलते हैं अपना बिल्कुल शान में, बाय बाय। हम आ चुके हैं गाइस विशाल मेगा मार्ट, चलो यहाँ चलते हैं अंदर। तो गाइस अभी हम यहाँ से ना स्टील का जो भी है ले रहे हैं घर के लिए, जिससे कि आज का जो धनतेरस है उसका जो है रस्म पूरी हो जाए। तो हम पसंद करते हैं क्या क्या हम करेंगे, कि टिफ़िन तो सही है ना, बट जितने भी टिफ़िन हैं यहाँ से डिफेक्टिव है, इनका यहाँ से बंद नहीं हो रहा, इस वजह से हम ले नहीं सकते, बाकी तो सारे 99 के हैं, बट सबका ये ख़राब है। बाकी ये 149 का है तो मैं ये पर्स ले लेती हूँ। सो अभी हम जा रहे हैं घर, हमने सामान ले लिया, घर जाके दिखाते हैं कि हमने क्या क्या लिया है। सो लेट्स गो होम। मैं बहुत ज़्यादा थक गई जस्ट अभी चेंज कराया, मैं सही से ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि और इतना ज़्यादा जाम था ना, इतना ज़्यादा आज भीड़ थी, और मतलब शॉपिंग ऐसे ही मतलब अभी मानोगे नहीं 9 बज रहा है, ठीक है मैं आई थिंक 4 बजे गई थी यहाँ से और 9 बज रहा है, तो मतलब टाइम का पता नहीं चलता और ऐसा लगता है अब ये क्या हो गया, अभी तो और टाइम होना चाहिए था, 2-3 घंटे कब पता बीत जाते हैं, बट स्टिल जो भी हम ले पाए लास्ट में वो मैंने लिया है। एंड सबसे पहले धनतेरस का मैंने लिया है ये, जो कि नॉन स्टिक पैन है, ठीक है, और इसमें मतलब हम तेल भी हमारा सब आपको पता ही होगा, ऑयल भी कम लगता है एंड हम चीज़ें बना भी सकते हैं इजली, लाइट वेट भी होता है, तो ये लिया है मैंने नॉन स्टिक पैन। इसके बाद ड्रेसेस हैं, पहले मैं दिखा दूँ जो कि आज धनतेरस का है, और फिर मैंने लिया है ये लंच बॉक्स, भैया ले जाए या मैं तो वैसे बहुत रेयर ले जाती हूँ खाने वगैरह, तो ये भैया ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हो उसके अंदर ये 2 टिफिन हैं ऐसे, और सबसे नीचे ये है एक टिफिन, सो ये पूरा पैक है जो कि बहुत सही लगा मुझे। रीजनेबल रेट में था सो मैंने ले लिया। के बाद मैंने लिया जो मेरे अब बहुत टाइम से नहीं था, लाइटो, ठीक है बहुत टाइम से नहीं था, इतनी माचिस बर्बाद हो जाती थी इसके पीछे ना, सो ले ही लिया, और तो आई थिंक इतना ही है, ये भी और था ढूंढना पड़ता है। हाँ और ये स्पून तो ऐसे पॉकेट में ले लिया मैगी खाने के लिए, और ये लिया मैंने छन्नी, तो मतलब इतने अप्लायंसेस मैंने घर के लिए लिए हैं इतने, ठीक है ये दिख रहा है उसमें रखा है, इसमें ही बिल बन गया भाई, बाहर जाके देखो महंगाई कितनी है। और खाने के लिए तो खैर हटा दो, अब मैं आपको अपनी ड्रेसेस दिखाती हूँ, अभी रुकना मम्मी। सो ये जो मेरी ड्रेस है ना वो मेरी बोनस गिफ्ट है, जो कि मुझे मेरी कंपनी से मुझे बोनस के तौर पर मिली है ये ड्रेस, मैंने ये पसंद की है, इसका मैं दिखाऊंगी जब भी आपको मतलब जब भी मैं पहनूंगी तो
तो ये कंपनी की तरफ से मेरा बोनस गिफ्ट है, बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा मैं पहन के देखा था ना तो मेरे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। जो सर हैं, सर ने मुझे ये बोनस दिया है। एंड एक मैंने और बाकी मैंने अपने पसंद से लिए, सो थोड़ा सा ना हॉटी लुक भी चाहिए होता है, कब तक हम नॉर्मल से बहन जी टाइप बन के रहेंगे ना। सो ये बेसिकली आई थिंक उल्टी है यार, उल्टी है, ठीक है मेरे उल्टी देख लो ठीक है। सो ये मेरा बर्थडे आ रहा है, मैं ना सारी शॉपिंग करके रख रही हूँ बर्थडे के लिए, 3-4 आउटफिट होंगे, इस बार का बर्थडे स्पेशल होगा। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट ट्रेंडिंग वन एंड ओनली हुडी, सो शॉर्ट हुडी, ये बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने सबको ट्राई करके देखा था ठीक है। और मैंने जो दिखाया था ना आपको मैक्स में यार, वो ड्रेसेस तो 1500 की थी और ऐसी थी कि गला इतना इतना, तो क्या फ़ायदा लेने का, बट जो मैंने ली है वो ट्रेंडिंग है और मेरे ऊपर लिटरली बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये रहा सारा शॉपिंग का सामान। तो गाइस फाइनली अभी रात का टाइम हो रहा है और हमारे घर के पास ही यहाँ पे गोल्ड की शॉप है, तो दूर जाना नहीं पड़ता है, तो अभी हम जा रहे हैं और कुछ गोल्ड परचेस करते हैं क्योंकि धनतेरस है और धनतेरस में बिना गोल्ड सिल्वर के तो चलता नहीं है। तो चलो हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको। ये रही वो शॉप। तो हम गोल्ड शॉप पे आ चुके हैं और ये रहा जितने भी मतलब नोज रिंग्स थी, मुझे वो लेना था मम्मी के लिए, तो मौसी भी साथ में थी, मैंने उनको बोला कि ले लो, बट उनके पास ऑलरेडी थी तो फिर कहती है क्यों लें, बट सिल्वर कॉइन्स जो थे मैंने उनको दिला दिए थे वो। और आप भी देख सकते हो यहाँ पे हम पसंद कर रहे हैं, वैसे मैंने पसंद कर लिया था बट एक बार कंफर्म कर रही थी कि मतलब सही है ना, क्योंकि मम्मी के लिए ले रहे थे, फिर उनकी जो नाक थी बहुत टाइम से खाली थी, मतलब उनकी जो सोने की कील थी ना खो चुकी हैं 2-3 बार, सो वो ऐसे ही रहती थी। मुझे नहीं अच्छा लगता यार, अगर हम इतना कैपेबल हैं तो इतना तो छोटा सा गिफ्ट तो हम दे ही सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने मतलब उसका वो वेट वगैरह वो चेक कर रहे थे कितने का होगा, फिर यहाँ से उन्होंने जो क्या बोलते हैं उसकी तल्ली नहीं होती है वो यहाँ पे ढूंढ के लगा रहे थे, और इसके बाद मेरा जो नोज़ रिंग है वो पैक होने वाली है। यहाँ पे सारा जो सिल्वर कॉइन्स हैं नोज रिंग्स हैं वो पैक हो चुके हैं। देन हम यहाँ से लेते हैं, हमेशा तो हमें गिफ्ट भी मिला हुआ है क्योंकि सभी को नहीं देते हैं, बट हम घर के पास ही है और हम हमेशा यहीं से लेते हैं, सो स्पेशल गिफ्ट फॉर स्पेशल पर्सन आप ये बोल सकते हो राइट। सो यहाँ पे भैया अनबॉक्स कर रहे हैं, मैंने उसको बोला कि सही से करना, मुझे वीडियो बनाना है, और अगर हम इतना शॉपिंग कर रहे हैं यार तो गिफ्ट तो बिल्कुल रिटर्न गिफ्ट बनता है राइट। तो यही ऑफर्स होते हैं इनके, अब हम इसमें खोल के देखते हैं क्या है, बट इनके गिफ्ट हमेशा अच्छे ही होते हैं, अगर गिफ्ट दो किसी को ना तो वो अच्छे होने चाहिए, और सेम इनका ऐसा होता है कि ये अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी अच्छा है, लकड़ी का पूरा बॉक्स है दो, इसमें हम नाश्ता वगैरह रख सकते हैं, लेकिन क्वालिटी इसकी बिल्कुल अच्छी है, इसमें 500 प्राइस लिखा है। तो फाइनली धनतेरस यहाँ पे एंड होता है, और एंड भी होता है तो किस चीज़ के साथ, ये सो मम्मी के लिए जो आज मैंने बोला था सरप्राइज़ है वो यही है कि मम्मी के पास गोल्ड की एक नाक की कील नहीं थी, तो ये रही यहाँ पे गोल्ड की कौन समझ में आ रही है तुम्हें, हाँ पहन लो इसको अभी यार, कुछ पहने तो नहीं हो, नाक खाली है कुछ, बड़ा महंगा 8-8.5 का मिला है, पुराना वाला सिक्का 1200 का है, काफी महंगी हो। हमारी बंद हो गई है, सिक्के से ढकना अपनी चल रही है, कुछ टर्किश फूड है, चली गई टर्किश। तो ये रही नाक की कील जो कि आई थिंक अच्छी लग रही होगी, गोल्ड कैसी है? थैंक यू, बहुत अच्छी है, मेरे बेटे ने मेरे को गिफ्ट दिया ठीक है। तो यहाँ पे धनतेरस, इसके अलावा यहाँ पे मौसी ने ये भी लिया था, बट यार गोल्ड से महंगा तो सिल्वर है, कैन यू इमेजिन इसका कॉस्ट क्या है फॉर अ सिंगल पीस ऑफ कॉइन, इट्स अराउंड 850 850 सिर्फ एक कॉइन का यार, मतलब मैं तो सोच ही गई थी 400 500 600, ये सिर्फ 1700 के दो, मतलब
नोज, ये जो नोज रिंग थी उससे ज़्यादा महंगा तो ये था, लूप मची हुई है। खैर हमारा यहाँ पे जो धनतेरस था, सगुन था, रिटर्न गिफ्ट दिखा दिया, तो हमारा जितना भी यहाँ पर सगुन था सब कुछ कंप्लीट हो गया, धनतेरस हो गया। एंड आई होप आप सब ने धनतेरस अच्छे से मनाया होगा एंड आपने भी खूब सारी शॉपिंग किया होगा। तो जो भी चीज़ें आपने शॉपिंग में किया है वो कमेंट ज़रूर कर देना, हमने तो जो किया वो आपको दिखा दिया। सो आई होप आपकी दिवाली बहुत अच्छी हो। यहाँ पे हम ब्लॉग को एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट।